निमाड़ के सबसे बड़े गणगौर पर्व की शुरुआत हो चुकी है। शहर की सब्जी मंडी स्थित एक बगीचे में महिलाएं गणगौर पर्व मनाते दिखाई दी। हम आपको बता दें कि होलिका दहन के दूसरे दिन से गणगौर पर्व की शुरुआत हो जाती है। इसी के चलते अग्रवाल समाज की महिलाएं खरगोन के सब्जी मंडी परिसर में स्थित बगीचे में माता को साथ लेकर महोत्सव मनाती दिखाई दी। इस दौरान महिलाएं दूल्हा दुल्हन बनकर पाती खेलती हुई दिखाई दी। मीडिया से रूबरू श्रद्धालु महिलाओं ने बताया कि 16 दिन तक चलने वाले गणगौर पर्व को परंपरागत रूप से मनाने पहुंची हैं। सप्तमी के दिन माता जी यहाँ पर बगीचे में लाई जाती है। 16 दिन की होती है गणगौर। होलिका दहन के दूसरे दिन से ही गणगौर मांडी जाती है। सप्तमी के दिन बगीचे में लाते हैं माता जी को। क्या आज क्या क्या कार्यक्रम? आज गीत गाए जाते हैं, झालरे देते हैं, माता को पानी पिलाते हैं, दूल्हा दुल्हन बनाते हैं और नाच गाना वगैरह डांस वगैरह करते हैं लड़कियाँ से। क्या नाम है आपका? सुषमा अग्रवाल। 16 दिन की गणगौर होती है जिसमें कुंवारी लड़कियां गणगौर पूछती है। वो अपने 16 मतलब अपने सुहाग के लिए पूछती है, मतलब अच्छा सुहाग मिले उनको। मतलब वो 16 दिन खूब धूमधाम से गणगौर पूजी जाती है। और सप्तमी के दिन गणगौर माता को बगीचे में लाया जाता है और फिर यहाँ पर झाले लिए जाते हैं, पानी पिलाया जाता है गणगौर माता को और दूल्हा दुल्हन बन के आते हैं। क्या नाम है आपका? भारती जैन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।